हेलो दोस्तों, मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है घाटे में चल रहे रैबिट फार्म को कैसे कवर करें। बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जिनके रैबिट फार्म बिल्कुल घाटे में चल रहे हैं। वो हमको बार बार कमेंट कर रहे हैं या हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर हमारा रैबिट फार्म बहुत ज्यादा घाटे में चल रहा है, तो इस सिचुएशन से हम बाहर कैसे निकले। तो उन भाइयों के लिए ये स्पेशल वीडियो हम लेकर आए हैं आज। और जिन लोगों के पास रैबिट हैं या घर में रैबिट है, 2, 4, 8, 10 कुछ भी या एक, वो लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। खरगोश के आने वाली प्रमुख बीमारियां, उनके उपचार और उन समस्याओं से कैसे बाहर निकलना है, इसके बारे में भी मैं आज विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर दें और कम से कम 20 वीडियो हमारे देखें। तब आपको खुद ब खुद हर एक चीज के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि एक बार में जिस दवा का नाम ले रहे हैं वो व्यक्तिगत क्या है, उस दवा के लिए व्यक्तिगत वीडियो बने हुए हैं। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, यदि आप लोग कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे 2-4 वीडियो देखिए, अपने हमारे वीडियोस में जाएं, उनमें से अपनी समस्या के लिए वीडियो देखें, टाइटल देखें, वहां से अपनी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करें। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज अब बात हो रही है कि जिन लोगों के रैबिट फार्म्स घाटे में चल रहे हैं तो उन लोगों को कैसे इस सिचुएशन से निकलना है। सबसे पहली बात जो रैबिट फार्मिंग में घाटे का कारण बन रही है वो है अधिक मोर्टेलिटी। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे भी आपके मादा के पास है, वो भी मर रहे हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो भी मर रहे हैं। तो इस सिचुएशन से आपको अपने फार्म्स को कैसे बचाना है, सबसे पहला एक काम ये करिए कि हर रोज आप अपने फार्म की सफाई करेंगे और नीचे चूने का छिड़काव कम से कम हफ्ते में 2 बार, जब तक ज्यादा मोर्टेलिटी हो रही है, अन्यथा हफ्ते में 1 बार तो बिल्कुल कंपलसरी है चूने का छिड़काव आपको अपने रैबिट फार्म में करना ही करना है, जिससे जो यूरिन नीचे गिर रहा है, जो भी पॉटी है, लैट्रीन है, रैबिट की नीचे गिर रही है, उससे जो अमोनिया या अन्य तरीके की गैसेस, जो भी विषैली गैसेस या हवाएं नीचे से आ रही हैं, उनको चूना खत्म कर देता है। जो हल्का फुल्का मॉइस्चर जमीन में आ चुका है यूरिन की वजह से, उसको भी चूना धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब आते हैं मोर्टेलिटी का दूसरा कारण क्या होता है बहुत ज्यादा। देखिए, छोटे बच्चे बहुत मरते हैं। पे लिमिट लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर छोटा बच्चा जब माँ के पास है क्यों मरता है, उसके लिए कई सारे वीडियो हमने बना रखे हैं। देखिए, खरगोश छोटा हो या बड़ा, उसके मरने का क्या कारण होता है? जब खरगोश गंदा संदा भोजन खा लेता है, गंदे संदे माहौल में रहता है, तब उसका पेट बंद हो जाता है, उसके बुखार हो जाता है, उसका यूरिन बंद हो जाता है, तो इस तरीके की समस्याएं बनने लगती हैं। सबसे पहले आप केज में सफाई रखें। और अब जब बच्चे माँ के पास हैं, जब तक वो मिल्क फीड कर रहे हैं, आप अपनी मादा खरगोश को 1 से 2 ml ऑस्टोवेट चिलेटेड फोर्ट कैल्शियम या ली 52 2 ml उसके फीड में मिलाकर कुछ दिन तक दीजिए, जिससे कि मादा का मिल्क प्रोडक्शन बढ़े और प्रॉपरली अपने बच्चों को दूध पिलाए। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी मादा अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, उसके लिए भैया वीडियो बनाया है, लेकिन एक और वीडियो हम बनाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि यदि मादाएं दूध नहीं पिला रही तो उनको किस तरीके से आपको बच्चों को दूध पिलाने के लिए तैयार करना है। और अब जब बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, 12 से 13 दिन बाद लगभग उनकी आंखें खुल गई, अपने डिलीवरी बॉक्स से वो बाहर आने लगे और धीरे धीरे फीडिंग माँ के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, अब वो क्या करेंगे? गंदा संदा जो घास फूस है और सब कुछ आपका खाएंगे जो वो खाना चाहते हैं, और उससे क्या होगा कि उनके पेट में गड़बड़ी होने के चांस है। अब यहाँ पर 2 तरीके से बच्चे मरते हैं, पहला तो जुखाम के कारण और दूसरा बच्चा मरता है पेट में संक्रमण के कारण, पेट फूलने के कारण, लैट्रिन बाथरूम रुकने के कारण। अमूमन जो बच्चे कमजोर होते हैं, जैसे मादा ने 8 बच्चे दिए, 1 से 2 बच्चा जो कमजोर है, अमूमन उसमें देखा गया है कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है और वो लैट्रिन बाथरूम उसका रुक जाता है, एकदम से वो टाइट होता है, हल्के हल्के पैर मारता है और आपका खरगोश कुछ समय बाद वो बच्चा मर जाता है। तो उस सिचुएशन से भी आपको यहीं पर निपटना है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले जब बच्चे माँ के साथ खाना पीना स्टार्ट कर दे रहे हैं, आपको 1 कटोरी पानी में 1 से 1.5 ml इंड्रोफ्लॉक्सासिन ओरल सॉल्यूशन 10% मिला के मादा के पास रख देना है सुबह। जब पहले तो आप फीड देंगे मादा को, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद आप पानी देंगे। फीड में हल्का नमक मिला होता है, जिसके जो सुबह सुबह सब बच्चे भूखे होंगे, मादा भी भूखी होगी और वो फीड खा लेगी, उसको अपने आप हल्की सी प्यास जनरेट होगी सबको। और उसके बाद आप 1 कटोरी पानी में 1 से 1.5 ml
इंडोफ्लॉक्सासिन ओरल सॉल्यूशन 10% मिलाकर रखेंगे, जिसको ही जब सारे बच्चे और माँ पी लेंगे लगभग 2 से 3 दिनों तक आपको ये काम करना है, जिससे कि बच्चे जो हैं उनके अंदर जुबान और बुखार की समस्याएं पूरी तरीके से खत्म। अब दूसरी बात आए कि अब पेट फूलने की समस्या, अब इस समस्या को हम कैसे हैंडल करेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग बात को समझिए, खरगोश जब फंगस भरा पीट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भरा पीट या फिर गंदी संदी घास या फिर साफ घास भी आप डाल लें तो बच्चे उसके ऊपर लैट्रिन बाथरूम कर रहे हैं, उसके बाद उसी को खा ले रहे हैं, उसके बाद उनके पेट बंद हो रहे हैं। जब भी कोई बच्चा देखिए मरता है, आप उसके बाद कस के टाइट होता है, हाथ पैर चलाता है, मर जाता है। उसके बाद आप जब बच्चा मर जाए तो उसका पोस्टमार्टम करिए और उसको देखिएगा कि उसका जो सेसम है, लीवर मतलब जो सेसम है, उसका जो पाचन तंत्र है पूरी तरीके से गंदगी से भरा हुआ ही आपको मिलेगा। इसी कारण बच्चा मरता है। और गंदगी का उस कारण क्या होता है, पेट में उत्पन्न हुए अमोनिया नामक प्रोटोजोआ का संक्रमण और पाशुरेला का संक्रमण और तमाम तरीके के वो संक्रमण होते हैं जो आपके रैबिट के पाचन तंत्र को बिल्कुल अपने अंडर में कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि फिर उससे वो जो रैबिट आपका फीड खा रहा है, बच्चा फीड खा रहा है, वो अंदर डाइजेशन फंक्शन में जा रहा है और वहां पर पेट में उसके जो संक्रमण पैदा हो गया, अब वो जो फ्लूइड है जो फीड के साथ वो पानी पी रहा है और जिससे कि उसका जो फीड है वो डाइजेस्ट हो रहा है, अब उससे वो संक्रमण जो वो कीटाणु है उस सारा पानी खींच ले रहे हैं, जिससे कि उसका जो पाचन तंत्र है उसके अंदर जो भी लैट्रिन बाथरूम या फिर जो भी भोजन पकने की मतलब पचने जो भोजन उसके अंदर पच रहा है उसके अंदर से जब वो पानी खींच लेंगे, फ्लूइड खींच लेंगे तो अंदर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, एकदम सूखा हो जाता है। कई कई बार जो खरगोश हमारे हैं बड़े खरगोश, उनके अंदर पेट के अंदर एकदम कड़ी कड़ी जो होती है पोटी बिल्कुल भरी रहती है। आप छू कर देखेंगे, कई दिनों तक जब फीड नहीं खाता है नीचे हाथ लगाकर देखेंगे तो बिल्कुल अंदर सब कड़ा कड़ा बिल्कुल भरा हुआ होता है। उसके अंदर संक्रमण जो हो गया है उसने पूरे अंदर जो पाचन तंत्र के अंदर जो खाना खरगोश ने खाया है उसको जो डाइजेस्ट करने के लिए वाटर अंदर गया, उसको उसने चूस लिया, एकदम जो उसकी पोटी है एकदम टाइट हो गई। अब उसमें हल्का, अब उसको पेट को साफ करना है तो हल्का लिक्विड, अब हम बताएंगे जो बच्चे मर रहे थे छोटे, अब देखिए आपको समझ में आ गया कि बच्चे क्यों मर रहे हैं, उसके अंदर संक्रमण है। आप ऐसी अवस्था में Li-52 देंगे भैया कोई फायदा नहीं होगा, आप कुछ भी देंगे नहीं फायदा हो। आपके पास संक्रमण को खत्म करने के लिए, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए कौन सी दवा, हाईटेक, तो आप 1 ml हाईटेक एक कटोरी में सुबह सुबह 3 दिन जब आपने इंडोफ्लॉक्सासिन दे दी उसको बंद कर दिया, फिर 1 दिन गैप दे दिया, फिर 4th दिन आपने एक कटोरी हाईटेक 1 ml पानी मिला के मादा खरगोश के पास रख दिया। उससे क्या हुआ, सारे बच्चों ने भी पी लिया, मादा खरगोश ने पी लिया। ऐसा आप 2 दिन तक करिए, आप 2 दिन तक जब कर देंगे तो बच्चे के अंदर और मादा के अंदर पूरी तरीके से फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, हर तरीके का संक्रमण अंदर मर चुका होगा, तो उसका जो लीवर और डाइजेशन फंक्शन है वो अच्छी तरीके से काम करेगा। हर जब देखिए जो तमाम तरीके के संक्रमण पैदा हो रहे हैं जैसे अमोनिया है, पाशुरेला है, प्रोटोजोआ है, इनको वो खत्म कर देगा तो लीवर का डाइजेशन फंक्शन अपने आप बिल्कुल अच्छी तरीके से चलता रहेगा। फिर भी देखिए यदि बच्चों के यहाँ पर कई बार बच्चे अधिक ग्रीन खा लेने के कारण उनके लैट्रिन आने लगती है जिसके कारण भी उनकी डेथ होती है, तो उनके लिए मेट्रोनिडाजॉल ओरल सोल्यूशन 0.3 to 4 ml 0.3 to 0.4 ml एक बच्चे को डिस्पोजल सिलिंग से आप लोग पिला देंगे, जिससे कि बच्चे के अंदर लैट्रिन बाथरूम की समस्या खत्म। अब यहाँ पर आपको बड़े खरगोश के साथ भी यही करना है, यदि आपका रैबिट फार्म है बिल्कुल ये भैया गांठ मान लो सारा खरगोश मर जाएगा यदि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, हजारों मान के चलिए जब से आपने फार्म खोला तब से आप घाटा ही घाटा उठा रहे हैं। आज हमारा वीडियो देखने के बाद हम बिल्कुल बताते हैं आज के बाद आप बिल्कुल भी रैबिट फार्म घाटे में नहीं रखेंगे। देखिए अब जब बच्चे आपके खरगोश जो बड़े खरगोश है मर रहे हैं, अब आपको उनको कैसे बचाना है, बड़े खरगोश जो आपके पेरेंट हैं वो एक केज में एक हैं, लेकिन कंपनी ने एग्रीमेंट किया है कि 200 खरगोश जब 1.5 से 2 केजी के बीच का हो जाएगा तभी हम उठाएंगे। आपके पास 10 केज तो हो गए बड़े, मतलब जो आपके पेरेंट हैं उनके लिए, अब बच्चों के लिए आपके पास 10-11 केज हैं वो कम पड़ रहे हैं, आपने एक केज में 3-4 खरगोश भर रखे हैं, उसमें क्या होगा उनको प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी, उनके अंदर ग्रोथ नहीं आएगी और बहुत ज्यादा जब डेंसिटी में खरगोश रहेंगे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, एक दूसरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे तमाम तरीके की वो समस्याएं जो आपने कभी सोची नहीं होंगी वो पैदा हो जाएंगे, गैस्ट्रिक इश्यूज होंगे,
जगह कम मिलेगी, पेट फूल फूल कर खरगोश मरने लगेगा। तो सबसे पहले आप ये बिल्कुल ध्यान रखें, एक खरगोश को एक ही केज में बच्चे रखें। जैसे आपका एक केज 2 फुट चौड़ा है तो आप उसको 1.5 फुट बना लीजिए, 1.25 फुट बना लीजिए, मतलब 1.25 बना लीजिए। एक कम होता है, 1.25 या 1.5 के बीच एक एक रखिए। या फिर आप 2 फुट का एक केज है उसमें 2 बच्चे से अधिक ना रखें, थोड़े केज भैया और बढ़ाएं यदि फार्म चलाना चाहते हैं। 3 बच्चा रहेगा, 4 बच्चा रहेगा, आप भर के देख रहे होंगे और रख रहे होंगे, आप उसमें से 1 बच्चा जब मर जाएगा, 1 से 2 बच्चे एक केज में बचेंगे तो वो तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से साल में आप 1 से 2 बार से अधिक अपने खरगोश नहीं बेच सकते। इसलिए हमारा कहना मानिए, सबसे पहले आप अपने एक केज में 2 बच्चे से अधिक बिल्कुल भी मत रखिए। और अब यदि गैस्ट्रिक इश्यूज, अब आपको करना क्या, देखिए डीवॉर्मिंग कंपनी ने बताया है कि आपको 2 से 3 दिन महीने के शुरुआत में करनी है हाइटेक ओरल सॉल्यूशन से। अब आपको करना क्या है, देखिए जो आप ग्रीन दे रहे हैं खरगोश उस पर बैठ रहा है, हग रहा है, मूत रहा है, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ कर रहा है, वही वो खा भी रहा है, तो रोज उसके अंदर संक्रमण जा रहा है, उस संक्रमण को समय समय पर खत्म करना है। यदि आपके घर में एक खरगोश है पूरी तरीके से हेल्दी है तो 0.7 ml हाईटेक आप उसको 15 दिन में 1 दिन दे दीजिए, बहुत है। यदि बीमार है, हल्का फंगस आ रहा है तो 0.7 ml एक बड़े खरगोश को मान के चलिए 3 से 4 दिन आप दे दीजिए। देखिए विड्रॉल पीरियड 15 दिन का होता है, लेकिन जब फंगस आ चुका है तो आपको 3 दिन तो लगभग 4 दिन देना ही पड़ जाता है। ये प्रैक्टिकल बात हम आपको बता रहे हैं। देखिए हम वही बातें बता रहे हैं जो अपने अनुभव को हमने 2-2.5 साल में महसूस किया, वो बातें हम आप लोगों से साझा कर रहे हैं। आपके जो स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है, डॉक्टर्स हैं आपके रैबिट फार्म पर, जो हमारी मतलब आपकी कंपनी है गाइडेंस में जिसके फॉर्म चल रहा है, उनसे भी आप हमारी बात का सजेशन ले सकते हैं। अब रैबिट फार्मर को अपनी मोर्टेलिटी कैसे कम करनी, बच्चों को पहले 2-2 केज में रखा और 1 हफ्ते में 1 बार हाईटेक ओरल सॉल्यूशन जरूर देना है आपको अपने रैबिट को। यदि आप अपने खरगोशों को बचाना चाहते हैं हर तरीके के पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन को से अपने खरगोश को सुरक्षित रखेंगे तो आपके खरगोश के पेट फूलने अपने आप बंद हो जाएंगे। देखिए हाईटेक की सीसी पर ऊपर लिखा रहता है कि लंग्स वार्म, हीट वार्म, ये वार्म, मतलब कि जो हीट स्ट्रोक है उससे भी लगभग आपका रैबिट को जो हाईटेक है वो बचा रहा है। तो इसलिए आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है। ये बात हो गई खरगोश यदि मर रहे थे उसकी। अब बात आ गई मेन कि अब आपका माल तैयार हो रहा है, उठ नहीं रहा है। यदि आपके फार्म में 150 खरगोश तैयार हैं, कंपनी नहीं ले जाएगी, भरा है जरूरत से ज्यादा माल, केज कम है, खरगोश मर रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा पैसा और दिमाग खर्चा करना पड़ेगा। आप क्या करिए, नजदीकी कंपनी के जो आसपास फार्म चल रहे हैं 10-20-150 किलोमीटर के अंदर, उनसे संपर्क करिए, उनसे देखिए उनके फार्म पर कितने खरगोश इस समय मौजूदा स्थिति में अवेलेबल हैं। 10-20-50-100 जितने हो आप एक डाला करिए, मुर्गे वाली या फिर आम वाली, 4-6 कैरेट 10 कैरेट लेकर जाइए, उनको सबको उठा के लाइए अपने फार्म में, और 150 से मतलब जो कंपनी का एग्रीमेंट है 200 खरगोश तुरंत बनाइए, फोन करिए, बिल्कुल हालत खराब कर दीजिए जब तक आपका माल ना उठाए। 15 दिन का टाइम दे रखते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर उनको माल उठाने के लिए मजबूर करिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने उनके सारे 7-8 लाख रुपए लगाए हुए हैं और उन लोगों ने आपको झांसा दे रखा है कि महीने साल में 8 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये भैया खेती किसानी से जुड़े काम है, जरूरत से अधिक मुनाफा नहीं होता है। हर तरीके की समस्याएं आती हैं यहाँ पर, खरगोश बीमार भी होगा, फंगस भी होगा, मरेगा भी, बीमारियां भी आएंगी, दवा भी होगा, डॉक्टर भी होगा, इलाज भी होगा, हर कुछ होगा। यहाँ पर मादाएं हैं, प्रेग्नेंट भी नहीं होंगी, प्रेग्नेंट होंगी, इनफर्टिलिटी होगी, इच्छा में कमी, कास ना होना, हर चीज की समस्याएं हैं और वो भी होंगी, और उनके लिए वीडियो हमारे बने हुए हैं। देखिए भैया हम आपको बता चुके हैं, जो मादाएं बार बार आपके फार्म में बच्चे देने में लेट कर रही या फिर बच्चे ही नहीं दे रही हैं, बहुत फैटी हो चुकी हैं, आप तुरंत उसको स्लॉट के साथ हटाइए, कोई अच्छा और नया बच्चा देखकर उसकी जगह रखिए, 1-2 महीने में वो पेरेंट बन के आपको बच्चे देना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। उसी मादा को सुधारने की अधिक कोशिश मत करें, कई महीने टूट जाएंगे, वो प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो जाएगी, होगी भी तब तक बहुत टाइम निकल चुका होगा, इसलिए उसको मतलब हटा के दूसरा पेरेंट अपना बना ले। तो दोस्तों जो भी समस्याएं थी रैबिट फार्मिंग जिसके लिए लॉस में आ रही है, तो वो समस्याओं को आज हमने आपको बता दिया है। सबसे पहले आप अपने खरगोश को, यदि देखिए कई स्थिति में क्या होता है, यदि खरगोश को आप देखेंगे सुबह उठ के उसने फीड नहीं खाया, तुरंत उठाएंगे देखेंगे, उसके पेट में हाथ लगाकर देखेंगे, कहीं पर भी कड़ा कड़ा या कुछ भी नहीं दिख रहा, सब कुछ लीवर भी नॉर्मल लग रहा है, फीड भी उसने नहीं खाया, तो उसका आप तुरंत टेम्परेचर चेक करिए, टेम्परेचर नॉर्मल आ रहा है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 102 के आसपास होना चाहिए,
तो सुबह देखिए मौसम ठंडा होता है तो हल्का कम हो जाता है, जैसे मौसम गर्म हो जाता है 102.23 ऐसे तक भी चला जाता है, और यदि बुखार नहीं है तो तुरंत उसको देह में ली 52 आप अपनी तरफ से 1 से 2 दिन पिला दीजिए। यदि लीवर में कोई ऐसी समस्या बन नहीं होगी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं, और ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए, अधिक माल 1 केज में न रखिए, तभी आपके बच्चे मरना स्टार्ट होंगे। और आप नजदीकी कंपनियों के आसपास से जो भी फार्मर हैं कंपनी के, उससे माल उठा लाएं, अपने फार्म में रखें, 2-4 दिन में कंपनी बुलाकर 200 माल इकट्ठा करके उठवाइए। जब तक हर महीने आपका माल नहीं उठेगा, रैबिट फार्म नहीं चल सकता है, आप 100% लॉस में जाते जाएंगे। जैसा कि आप लोग जा रहे होंगे, आप लोगों को पता होगा। तो जल्दी से जल्दी खरगोश निकालने की कोशिश करिए, अधिक वेट गेन कराने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जितने भी दूर दूर या कम एक केज में एक खरगोश रखेंगे बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, 2 रखेंगे कम होगी, 3 होगी रखेंगे कम होगी, 4 होगी तो लगभग बंद हो जाएगी। इसलिए 1 से 2 खरगोश से अधिक एक केज में ना रखें, और जल्द से जल्द अपने माल को हटाने की फॉर्म से कोशिश करें, और नया बच्चा अलग अलग दूर दूर अच्छी तरीके से रखें। तो यहाँ पर आपको बहुत एक खास बात का ध्यान रखना है कि रैबिट को अच्छा फीड दें, स्ट्रांग फीड दें, ज्यादा लूज फीड मत दें जिससे कि प्रोडक्शन लेट हो जाता है, और कम से कम 70% घास खिलाएं। ज्यादा घास खिलाएंगे आपके खरगोश को, तभी जाके आप रैबिट फार्मिंग जैसे बिजनेस से प्रॉफिट कमा सकते हैं। यदि आप 50% 60% फीड खिलाएंगे भैया घाटा हो जाएगा। 70% घास खिलाइए, रिझका लगाइए, इस समय बरसीम का सीजन चल रहा है, बरसीम लगाएं, मलाई घास लगाएं, पालक लगाएं, बंद गोभी, फूल गोभी, कुछ भी खिलाइए, कम से कम 60 से 70% आप घास दीजिए, 70% आराम से दीजिए, खरगोश खाता है, और फिर उसके बाद ही आप इस बिजनेस से प्रॉफिट कमा सकते हैं। आशा और कोशिश करिए, जैसे लूसेंट है, रिचका है, 3-4 साल वाला सीड लगाएं, 3 साल वाला सीड लगाएं, जिससे कि हर मौसम में लगातार आपको घास मिलती रहे, और आपके रैबिट फार्म का जो फीडिंग का खर्च है वो कम आए, तभी आप इस बिजनेस से फायदा उठाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं हमारे वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपके भाई के वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। थैंक यू।